हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम आप लोगों को आज आप लोगों की खिदमत में एक नया व्लाग लेके आए हैं, और आज के व्लाग में हम आप लोगों को कोरिया की जो KTS यानी फास्ट ट्रेन है जो, वो दिखाएंगे और उसका जो स्टॉप है वो दिखाएंगे। तो चलें, लेट्स सी, आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। छोटा सा ब्लॉग है हमारा। तो यहाँ से हम KTS पे बैठेंगे और KTS के अंदरूनी मनाजर भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और बिरूनी मनाजर भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये KTS का जो ना मेट्रो ट्रेन का स्टॉप है कोरिया का, और बहुत ही प्यारे और अच्छे अच्छे व्यू दिखाएंगे आज की वीडियो में। और ये कोरिया की एक बात आप लोगों को दोबारा पता चलूँगी, ये कोरिया की सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेन है जो कोरिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक तकरीबन 16 घंटों में पहुंच जाती है। हमारी जो ट्रेन है वो दो दो तीन तीन दिन बाद कराची से आती है वापस। लेकिन ये बहुत ही प्यारी और खूबसूरत, अंदर से भी बहुत खूबसूरत और जदीद ट्रेन है ये। आप लोगों को पता चलेगा हमारी जो ट्रेनें हैं वो तो दो दो तीन तीन दिन लगा कर आती हैं, लेकिन ये कोरिया की सबसे फास्ट ट्रेन है और कोरिया रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ा मुल्क है। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रेन है, ये 16 घंटों में एक कोने से दूसरे कोने को टच करती है जाकर। तो ये इस वक्त KTS के अंदर के मनाजर हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो बाहर आप देख रहे हैं ये बाहर के मनाजर हैं। तो अब आप लोगों को अंदर के मनाजर दिखाता हूँ। अंदर के मनाजर KTS के एडो ट्रेन के ऐसे हैं जैसे हम किसी हवाई जहाज़ में बैठे हैं। बहुत ही सुकून और इस तरह लगता है जिस तरह के हम अपने घर में बैठे हैं, ना कोई जंप वगैरह, ना कोई शोर, बिल्कुल ईजी सुकून माहौल, बहुत ही ईजली। और ये देखिए बाहर के मनाजर ये आप लोग देख रहे हैं इस टाइम। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, कैंडी के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। इसी के साथ इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह ने के बाद।